सिंह रावत और मैं आज आपको नाग पहाड़ का नज़ारा दिखाऊंगा। और स्वागत है आपका वीर ब्लॉगर चैनल में। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें दोस्तों इस वीडियो में। चलिए दोस्तों चलते हैं नाग पहाड़। आज तो गाइस हम जा रहे हैं नाग पहाड़ की डूंगर में और आज आपको दिखाऊंगा नाग पहाड़ का सीन। ये आगे हमारे भाई चल रहे थे। A few moments later. दोस्तों हम काफी ऊपर आ चुके हैं और ये देखो बहुत ही शानदार नजारा मिल रहा है हमको पहाड़ी का। ये देखो दोस्तों हमारे पीछे बस थोड़ी सी देर और है ऊपर चढ़ने में, थोड़ी सी देर और है दोस्तों ऊपर चढ़ने में, फिर आपको पुष्कर का नज़ारा दिखाएंगे हम। A few moments later. हाय दोस्तों, ये है नाग पहाड़ी जिसका इतिहास में भी वर्णन किया गया है। काफी मशहूर पहाड़ी है क्योंकि यहाँ पर बगड़ावत भी कहा जाता है कि गाया चराया करते थे। और इस पहाड़ी की तलहटी पे टॉप पर एक राजा भरतरी का मंदिर है जो काफ़ी फेमस है। उसका आज हरियाली अमावस को मेला लगता है। वो मेला देखने के लिए हम फ्रेंड लोगों के साथ हम जा रहे हैं और पहाड़ी पे पहुंचने के बाद हम बताएंगे आपको राजा भरतरी की। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं पहाड़ी के टॉप पर और ये पुष्कर का सीन दिखाई दे रहा है। ये होटल सारी होटल देखना, ये सारे। हाँ तो दोस्तों अब घना जंगल आ चुका है। हमारे फ्रेंड लोग को निकलने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। जंगल बहुत हरा भरा जंगल दिखाई दे रहा है आपको। देखिए दोस्तों रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा। आप आओ। हाँ तो दोस्तों कुछ ही देर बाद में हम पहुंचने वाले हैं राजा भरतरी जो कि यहाँ से थोड़ी दूर है। बस उसमें पहुँचते आपको बताएंगे कि इस मंदिर की स्थापना कैसे हुई और कब हुई और इसका नाम पहाड़ का नाम नाग पहाड़ कैसे पड़ा। कोई बुजुर्ग आदमी हमारे को वहाँ मिल जाएगा, उनसे हम आपको जरूर रूबरू कराएंगे और इसके बारे में बताएंगे कि इस पहाड़ का नाम नाग पहाड़ कैसे पड़ा और राजा भरतरी की स्थापना कब हुई कैसे हुई। प्यास लगने के बाद हमारे को पानी की व्यवस्था हुई है तो 2 लीटर पानी है, हम थोड़ा थोड़ा करके अपना प्यास बुझा सकते हैं। अरे सिक्को हाँ तो गाइस और ऊपर आ चुके हैं, अब जा रहे धीरे धीरे। अभी तो बहुत 2 घंटे तो हो गए हमको और आगे चलते हो देखते। A few moments later. हाँ तो दोस्तों कुछ ही पल में हम उस मेले में पहुंचने वाले हैं और आपको मेले के दर्शन कराएंगे। हाँ तो गाइस हम पहुंच चुके हैं मेले के अंदर और आपको मेले के सभी देखिए दोस्तों काफ़ी भीड़ दिखाई दे रही होगी आपको। झंडा भी आ चुका है, अब झंडे का इंटरव्यू लेते हैं और देख पूछते हैं कहाँ से आए हो, कितने दूर से आए हो, कहाँ से झंडा लेके आए।
few moments later. एक डेढ़ घंटे बाद हम नीचे उतरे और यहाँ पे कुछ प्रोग्राम भंडारा लगा रखा है, देख के चल के दिखाते हैं दोस्तों आपका भंडारा और यहाँ पे खाने पीने का भी सुविधा कर रखी है। चलो दोस्तों, हाँ तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे, पानी भी मिल रहा है और यहाँ पे बहुत भोजन करवा रहे हैं। चलिए दोस्तों हम भोजन करते हैं और यहाँ पे बहुत ही शानदार भंडारा लगा रखा है और आपको भोजन और सब चीज़ दिखाएंगे एक एक करके। तो हम भंडारे में खाना वाना खा के अब नीचे चल रहे हैं और ये हमारे को पुष्कर भी दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये देखिए पुष्कर का रोड आ गया। अब नीचे चलते हैं और पुष्कर का सीन दिखाते हैं। चलिए दोस्तों नीचे चलते हैं। हाँ तो दोस्तों हम आ चुके हैं पुष्कर में, इस नाले के अंदर पुष्कर में नीचे उतर चुके हैं। अब पुष्कर में, अब पुष्कर से सीधा रोड मिलेगा हमको दोस्तों, हम रोड से सीधा घर पहुँचेंगे। दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों प्लीज़, इस वीडियो में बहुत मेहनत की है मैंने।